हे गाइस, वेलकम टू चैनल स्टडी फॉर इंडिया। नवोदय विद्यालय समिति में बहुत बड़ी वैकेंसी टीचर्स की जारी की गई है। इस फॉर्म को फिलअप करने से पहले एक बार वीडियो को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहां पर अलग अलग रखी गई है। टीजीटी पीजीटी पोस्ट के लिए जनरली ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाएंगे। इसकी जो रिक्रूटमेंट डेट है वो 10 जुलाई अप 2019 से फॉर्म फिलअप होंगे और 10 अगस्त अप 2019 इसकी लास्ट डेट है। तो फॉर्म फिलअप करते समय सावधानीपूर्वक आप नोटिफिकेशन पूरा डिटेल देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन न होने की वजह से आपको एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद भी आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। रिक्रूटमेंट है 2019 का, इसमें आप देख रहे होंगे तो इसमें कई पोस्ट मांगी गई है। सिर्फ टीचर की पोस्ट नहीं है, इसमें कुछ क्लर्क की भी पोस्ट है, असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट है। पीजीटी और टीजीटी की अगर हम बात करते हैं तो पीजीटी में आप देखेंगे ग्रुप बी की पोस्ट है ये। इसमें ये आपके सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट में सब्जेक्ट वाइज ये वैकेंसी दिखाई गई है। बायोलॉजी में 43 पोस्ट है, केमिस्ट्री पीजीटी केमिस्ट्री के लिए 45 पोस्ट है, पीजीटी कॉमर्स के लिए 16, इकोनॉमिक्स के लिए 63, इंग्लिश 37, ज्योग्राफी के लिए 38, हिंदी के लिए 35, हिस्ट्री के लिए 46, मैथ्स के लिए 48, पीजीटी फिजिक्स के लिए 39 और पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए टोटल 20 पोस्ट है। और ये कैटेगरी वाइज पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसी तरह टीजीटी की अगर हम बात करें तो टीजीटी इंग्लिश की जो पोस्ट है वो टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें तो 279 एक ठीक ठाक पोस्ट है ऑल ओवर इंडिया के लिए। टीजीटी हिंदी की बात करें तो 320 पोस्ट है। टीजीटी मैथ्स के लिए 256 पोस्ट है। टीजीटी साइंस के लिए थोड़ी कम पोस्ट है, 139। केवीएस में जो पिछली वैकेंसी आई है उसमें 413 पोस्ट थी, जो अभी फाइनल रिजल्ट इसका डिक्लेयर कर दिया गया है। इसके अलावा टीजीटी सोशल साइंस या सोशल स्टडीज़ के लिए 160 पोस्ट है। मिसलेनियस कैटेगरी आप टीचर की अगर हम बात करें, म्यूजिक टीचर की बात करें तो म्यूजिक टीचर के लिए 111, आर्ट के लिए 130, पीईटी मेल के लिए 148, पीईटी फीमेल के लिए 105 और लाइब्रेरियन के लिए टोटल 70 पोस्ट यहां पर रखा गया है। इसके अलावा लीगल असिस्टेंट, फीमेल स्टाफ, नर्स की अदर पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पीजीटी के लिए अगर आप एलिजिबिलिटी देखेंगे सब्जेक्ट वाइज ये कोड नंबर दिया हुआ है, ये पे स्केल दिया हुआ है, लेवल 8 का पे स्केल है। और एज अगर एज की बात करें तो 40 ईयर एज आपकी होनी चाहिए मैक्सिमम। रिजर्वेशन वाइज उसमें छूट होगी। इसके अलावा इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो कंपल्सरी है, इसमें देखिए 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएटेड कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT इन द कंसर्न सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। और इसके अलावा मास्टर डिग्री या मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए जिसके बाद 50% मार्क्स होने चाहिए। जनरली नेट के लिए आपको 55% होता है, यहाँ पर 50% जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर रखा गया है। यदि आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है तभी आप PGT के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश में मास्टर डिग्री उसी कंसर्न सब्जेक्ट में ही मास्टर डिग्री होनी चाहिए। फिजिक्स के लिए भर रहे हैं तो फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए। केमिस्ट्री के लिए पीजीटी केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में भी अगर आपने पीजी किया हुआ है तो यहाँ पर अलाउ कर दिया जाएगा। इसी तरह आप एलिजिबिलिटी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर पीजीटी के लिए बीएड डिग्री भी यहाँ पर मांगी गई है। बी ऑप्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पर बीएड डिग्री भी मांगी गई है। इसके अलावा प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी इंग्लिश मीडियम, यानी NVS में पीजीटी का फॉर्म फिलअप करने के लिए आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। इसी तरह पीजीटी के जितने भी जिस सब्जेक्ट में आप फिलअप कर रहे हैं उसी कंसर्न सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा बीएड की डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं टीजीटी के लिए। तो दोस्तों टीजीटी के लिए जो आप देख रहे हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए, यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म पे ये पोस्ट कोड नंबर है, पे स्केल यहाँ पर लेवल 7 का है, अपर एज लिमिट जो है नॉट एक्सेडिंग 35 ईयर्स, यानी कि 35 साल से आपकी एज एबव नहीं होनी चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज अगर हम बात करते हैं तो देखिए टीजीटी हिंदी के लिए, टीजीटी हिंदी के लिए हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स ऑफ डिग्री कोर्सेज, यानी कि हिंदी सब्जेक्ट आपके फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों में होने चाहिए, यह कंपलसरी है। नोटिफिकेशन में बिल्कुल क्लियर है, यदि आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको इंटरव्यू देने से रोक दिया जाएगा।
क्योंकि उसके पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। इसके अलावा इसी तरह TGT इंग्लिश से अगर आप फिलअप करना चाहते हैं तो इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स ऑफ द डिग्री कोर्सेज, यानी कि 3 साल आपको इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट आपके कोर्स में शामिल होना चाहिए। इसी तरह आप TGT मैथ्स के लिए अगर शामिल होते हैं तो बैचलर डिग्री इन मैथ्स अलॉन्ग विद फिजिक्स एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स। तो यहाँ पर TGT मैथ के लिए तो मैथ होना ही चाहिए आपके पास 3 साल। इसके अलावा मैथ्स के अलावा इसका कॉम्बिनेशन फिजिक्स के साथ बनता है या केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स के लिए साथ में बनता है। और इसके अलावा आपको BSc डिग्री में मैथ्स कंपलसरी होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो यहाँ पर आप TGT मैथ्स के लिए अगर आप फिलअप कर रहे हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री आपके है BSc में तो आप नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, यानी कि TGT मैथ्स के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। आपने BSc मैथ्स में किया होगा लेकिन थर्ड ईयर में आप फिजिक्स केमिस्ट्री रखते हैं तो आप मैथ्स के कैंडिडेट नहीं माने जाएंगे। सेम प्रॉब्लम यहाँ पर फॉर TGT साइंस के लिए है, बॉटनी जूलॉजी एंड केमिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए। द कैंडिडेट शुड बी स्टडीड बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल द 3 ईयर्स ऑफ स्टडी इन ग्रेजुएशन, यानी ग्रेजुएशन के 3 साल में आपके पास बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री तीनों की सब्जेक्ट कोर्स सब्जेक्ट जो है कोर्स में आपके शामिल होना चाहिए। यही पॉइंट आपको KVS में भी देखने को मिलेगा, इसी पॉइंट को लेकर आप इनवैलिड कर दिए जाएंगे यदि आपके लास्ट ईयर में 2 सब्जेक्ट हैं, चाहे वो बॉटनी केमिस्ट्री हो, चाहे बॉटनी जूलॉजी हो, चाहे जूलॉजी केमिस्ट्री हो, तो आप NVS के लिए एलिजिबल नहीं हैं। यहाँ पर देखिए सेकेंड पॉइंट मेंशन किया गया है कि इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटीज़ विच प्रोवाइड फॉर ओनली 2 सब्जेक्ट इन द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ बॉटनी जूलॉजी एंड केमिस्ट्री इन द फाइनल ईयर ऑफ एग्जामिनेशन एंड ऑल द 3 सब्जेक्ट बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। तो दोस्तों यहाँ पर जो सेकेंड पॉइंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि कोई यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर में 2 सब्जेक्ट प्रोवाइड कराती है यानी कि फाइनल ईयर में, तो कैंडिडेट के लास्ट ईयर में 2 सब्जेक्ट कंपलसरी होने चाहिए, बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री में से कोई भी और फाइनल ईयर में, और इसके अलावा और जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है उसमें 3 सब्जेक्ट कंपलसरी होने चाहिए। ऑनर्स डिग्री में भी आप अगर हैं तो 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपके पास मिनिमम 2 सब्जेक्ट होने चाहिए क्योंकि ऑनर्स में थर्ड ईयर में 1 सब्जेक्ट हो जाते हैं। इसी तरह TGT सोशल स्टडीज़ के लिए भी आप देख सकते हैं यहाँ पर इक्विवेलेंट दिखाया गया है कौन कौन से कॉम्बिनेशन आपके पास होने चाहिए। तो यह नोटिफिकेशन का पूरी तरीके से देखने के बाद ही आप फॉर्म को फिलअप करिएगा। अब हम एग्ज़ाम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो यहाँ पे PGT पोस्ट के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए टोटल 5 पार्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। पार्ट 1 में आपको रीजनिंग एबिलिटी जो कि 15 क्वेश्चंस होंगे 15 मार्क्स के, सेकेंड पार्ट में जनरल अवेयरनेस है वो भी 15 क्वेश्चंस होंगे, इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स के, सब्जेक्ट नॉलेज होगा जिस सब्जेक्ट में आप PG किया हुआ है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, टोटल ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 100 और ये भी 100 मार्क्स के होंगे, टोटल 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के होंगे और ये इसके लिए आपको टाइमिंग मिलेगी 3 आवर्स की। पार्ट 5 में आपके लैंग्वेज कंपेटेंसी टेस्ट होगा जो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश होंगे जो 15 मार्क्स के इस सब्जेक्ट के होंगे। यहाँ पर माइनस मार्किंग यहाँ पे रहेगी आपकी 1/3 माइनस मार्किंग, सिर्फ पार्ट 5 में ही माइनस मार्किंग आपको 1/3 रखी गई है, बाकी इस पार्ट में माइनस मार्किंग आपको नहीं मिलेगी। पार्ट 1 और पार्ट 4 जो है विल नॉट बी इवेल्युएटेड इफ़ ही शी फेल टू अटेंड क्वालिफाइंग मार्क्स इन पार्ट 5। अगर यहाँ पर आप पार्ट 5 में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं पार्ट 5 को तो इसको इवेल्युएट नहीं किया जाएगा भले ही आपने इसको क्यों ना क्वालिफाई किया हो। यानी कि आपको जो लैंग्वेज वाले टेस्ट होंगे उसको क्वालिफाई करना कंपलसरी है। इसी तरह TGT के एग्जाम स्ट्रक्चर को देखें NVS के, तो रीजनिंग एबिलिटी के 10 क्वेश्चन है 10 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, टीचिंग एप्टीट्यूड 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, सब्जेक्ट नॉलेज यानी कि डिफिकल्टी लेवल ग्रेजुएशन में जो आपके सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस रहेंगे और उस 100 क्वेश्चंस के लिए मार्क्स प्रोवाइड किए गए 100 मार्क्स, टोटल 135 क्वेश्चंस होंगे 135 मार्क्स के लिए, इसके लिए आपको टोटल 3 आवर्स का टाइमिंग प्रोवाइड कराया जाएगा। पार्ट 5 वही हिंदी जनरल इंग्लिश रीजनल लैंग्वेज है यानी कि जो हिंदी आप भरेंगे जो भी रीजनल लैंग्वेज आपके लिए अच्छी है तो वो आप फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर 15 मार्क्स प्रोवाइड कराया गया है, 1/3
माइनस मार्किंग रखी गई है अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, जो कि 45 क्वेश्चंस रहेंगे, 45 मार्क्स के, 1/3 माइनस मार्किंग के साथ आपको एग्ज़ाम ये देना होगा। पार्ट 5 क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो इसका इवेल्युएशन नहीं किया जाएगा। तो टोटल ये दोस्तों यहाँ पर TGT और PGT के लिए हमने क्लियर कर चुके हैं, और इसको अप्लाई करने के लिए nvsrecruitment2019.org पर आप जाके कर सकते हैं। इसकी डेट हम बता देते हैं आपको, इसकी जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 10 जुलाई अब 2019 से स्टार्ट हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन 9 अगस्त अब 2019 को क्लोज हो जाएगा, फी डिपॉजिट करने की लास्ट डेट जो स्टार्ट होगी वो 10 जुलाई 2019 को, फी क्लोज होगी 12 अगस्त अब 2019, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन रिटेन 5-10 सितंबर 2019 टेंटेटिव है, यानी कि ये पोस्टपोन भी हो सकता है। तो यदि आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी रखते हैं तो इसको फॉर्म को आप आसानी से फिलअप कर सकते हैं। TGT के फॉर्म के लिए आपके पास BEd की डिग्री भी होनी चाहिए। तो दोस्तों पूरी ये इन्फॉर्मेशन NVS से रिलेटेड है, NVS से रिलेटेड है, पूरी वैकेंसी डिटेल में हमने डिक्लेयर कर दी है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन को भी बता दिया है, और जो भी अपडेट होगी हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।